was excellent. It was awesome. So how's Aamir Khan? कैसे लगे उनके दाव? आमिर खान के दाव काफी अच्छे थे, वो तो कहने की जरूरत नहीं होती। और जो नई लड़कियां आई हैं मूवी में, मतलब जान डाल दी उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? दोनों ने जबरदस्त, जान से ज्यादा ही बोलूंगा, दोनों लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया, छोटी वाली ने और बड़ी वाली ने भी अच्छा काम किया। कितने स्टार देना चाहेंगे? साढ़े पाँच, पाँच से ज्यादा। मतलब कैसे रहे आमिर के दाव? काफी ज्यादा अच्छे, रियली गुड, वेरी गुड। तो एक्शन की बात करें तो कैसे? आमिर खान से ज्यादा उन दोनों जो गर्ल्स ने एक्टिंग करी, बहुत बहुत गजब। मतलब कुछ सिमिलरिटी लगी सुल्तान? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, फॉर 1% भी कंपैरिजन नहीं है। जहाँ सुल्तान में सलमान की इतनी अच्छी बॉडी, आमिर खान यहाँ बिल्कुल मस्त पेट के साथ एक्टिंग करी है, बहुत 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 तोड़ मूवी। आपको कैसी लगी? काफी ज्यादा अच्छी है, रियली लाइक इट। और वो दो लड़की जो नहीं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, क्रेजी एक्टिंग, खासकर वो हरियाणवी एक्सेंट तो बहुत ही क्रेजी था। तो कितने स्टार देंगे? 4.5। ऑसम। आमिर खान के दाव कैसे थे? मस्त है। मतलब कुछ सिमिलरिटी लगी सुल्तान को लेकर मूवी में? नो नो, डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट। दो नई लड़की जो आई हैं, आमिर के साथ कैसे एक्टिंग किया? दे वर बेस्ट, बस। तो हाउ मच स्टार यू गिव 5/5? 4.5। सो वेरी, इट्स नॉट आल्सो वेरी एनफ बिकॉज़ इट्स आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। लड़की जो दो नहीं आई हैं जी, उनकी एक्टिंग कैसी है? लड़की जो दोनों आई हैं, दोनों की एक्टिंग सुपर्ब है, क्योंकि डायरेक्टर के हाथ में है और आमिर खान, जिसको आप परफेक्शनिस्ट कहते हैं, को एक्टर रहेंगे तो खुद ब खुद सामने वाला अगर कोयला भी होगा तो हीरा ही निकलेगी। कितने स्टार देंगे? मैं 5 से पूरा 5 देना चाहूँगा, और ऐसा मूवी शायद बहुत सालों के बाद आई है। आमिर खान बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, सो टू गर्ल्स इन अविता, आमिर खान फैबुलस, फैंटैबुलस। कैसे रहे आमिर के दाव? मतलब आमिर के दाव तो लाइक एक्टिंग में तो ही वाज जस्ट फैंटैबुलस, बट जो इमोशंस वो कंट्रोल करते हैं, जो खींचते हैं, इट वाज जस्ट फैबुलस, मस्ट वॉच। 5 में से 5, अ मस्ट वॉच फॉर एवरी इंडियन। It was great. It was awesome. How's Aamir Khan dao? कैसे उनके दाव पेज कैसे थे? It was really nice. Similarity लगी सुल्तान और दंगल को लेके? I haven't seen Sultan actually, so I cannot compare them. But अच्छी थी movie, बहुत अच्छी है। Four. बहुत ज़्यादा awesome movie थी, मतलब मन हो रहा था कि मूवी ख़त्म ना हो, और हमारा तो खैर हम तो यही सोच रहे थे कि यहीं पे हम भी एक दो दंगल जरा लड़ लें। बहुत awesome मूवी थी, और इसमें इंस्पिरेशन भी दी गई है लड़कियों के लिए, तो मैं चाहूँगा सारे एक एक बार आके ये मूवी देखें, और आमिर सर की आपको ऐसी एक्टिंग मिलेगी जो आप कहीं नहीं देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा awesome थे, मतलब सुल्तान और इसका कंपैरिजन बहुत अलग हो गया। सुल्तान एक अलग थी, ये एक अलग मूवी है। सुल्तान में सिर्फ सलमान सर का था, लेकिन इसमें आप देखोगे लड़कियों का भी बहुत अच्छा दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा awesome। लड़कियों ने भी बहुत अच्छा काम करा है, तीनों लड़कियों ने, तो बहुत मज़ा आया। मैं तो फिर से देखने वाला हूँ ये मूवी, तो मैं सबको बोलूँगा प्लीज़ आप भी आइए, मूवी देखिए एक बार। मैं तो 5 में से 5 दूंगा, 5 में से 6, 7, 8, 9, 10, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। दाव पे अभी बोलने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, की बातें है। अरे मैं 10 बार देख सकता हूँ यार, इतना दिल कर रहा है कि मैं कंटिन्यू 100 बार भी देखेंगे तो फिर भी अच्छा लग रहा है। क्या कहे यार, उस जैसा बंदा नहीं है देश के लिए, बहुत सैल्यूट आमिर खान को। मैं 5 में से 6 स्टार दूंगा उन्हें। ओ शिवम, कम है, वो बहुत अच्छा देंगे। बोलो अच्छी लगी तो भी चलेगा। अच्छा, अच्छी लगी। और आमिर खान कैसी थी इनकी एक्टिंग? बहुत अच्छी थी, एज परफेक्शनिस्ट बोलते हैं वैसे थी, और मैं जनरली ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ मूवी आजकल बहुत अच्छी नहीं बनती, बट दिस वाज एक्सेप्शनल। मतलब स्टोरी लाइन अच्छी नहीं रहती, डायरेक्शंस अच्छी नहीं। छोटी वाली की एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, बट बड़ी वाली की ज़्यादा वैसे नेचुरल भी लग रही थी वो, बट छोटी वाली का एग्रेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड रेटिंग बोलूँ तो 4। थैंक यू सर। गुड इनफ। आमिर खान के दाव पेज कैसे थे? बहुत अच्छे थे, एंड उनके क्या बोलूँ, जैसा होना चाहिए मूवी के अकॉर्डिंग उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छा किया। इवन उनकी एक्टिंग को लेके, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को भी लेके, एवरीथिंग वाज ऑसम। ऑब्वियसली उसने 2 इयर्स के बाद निकाला, तो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस कि बेटर होना चाहिए, बट इतना बेटर होगा आई डिडंट एक्सपेक्ट, बट इट वाज ऑसम। गीता बबीता सच अ इंस्पायरिंग गर्ल, एंड आई लाइक देयर स्टोरी बिकॉज वो बहुत छोटे फैमिली से थी, एंड अचानक इतने बड़े लेवल में बहुत डिफिकल्ट होता है, देन आई नो द सिचुएशन, सो मेरे को अच्छा लगा।
ऑब्वियसली अभी जा रही थी, बट टिकट इतनी महंगी है, क्या करूँ. आमिर खान के दाव पेच मैं नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने जो उनकी ट्रेनिंग देख ली, जो हाँ वो ट्रेनिंग नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हर गर्ल, मतलब हिज गर्ल, हाँ बबीता एंड गीता. तो गीता की जो मैंने ट्रेनिंग देखी, गीता की जो दाव पेच देखे और गीता को जो ट्रेनिंग देते हैं जिस हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा सा पाँच मिनट में लेट आया था, तो मैं वो एक छूट गया मेरे से. तो जो वो गीता में जो दिखाया गया ना, उससे लगता ही है कि बस आमिर सर ने जो किया वो बहुत अच्छा होगा. अगर जो हमने मिस किया था, तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं फिर एक शो आके देख के वो दो मिनट देखूँ कि मैंने क्या मिस कर दिया, तो ऐसा मुझे लग रहा है. लेकिन आमिर सर यू आर बेस्ट मैन. आमिर खान ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी को लेकर, वो कैसा था? आमिर खान ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आज भी अगर कोई एक्टर होता तो शायद इतना नहीं करते, और मुझे लगता है कि शायद दूसरे बड़े एक्टर जो हमारे सीनियर है उनको भी ऐसा लगता होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हाई लेवल का है. क्योंकि एक मस्क्यूलर मैन को अगर आप बहुत मोटे जैसे एकदम होता है ना कि हलवाई जैसा बना के रखो, वो बहुत बड़ी चीज़ है, और हलवाई के बाद वापस आपको मस्क्यूलर बनना है, तो आमिर सर वो आप ही कर सकते हैं. आजकल की लड़कियों को कोई मैसेज मिलेगा? आजकल की लड़कियों को तो मिलेगा, लेकिन आजकल के लड़कियों के जो वैसे पेरेंट्स हैं जिसको जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मैसेज मिलेगा कि सर आप प्लीज़ अपनी बहन बेटियों को या फिर अपनी बहू को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, एटलीस्ट हर चीज़ में नहीं, तो आप इतना थोड़ा शुरुआत करिए कि हाँ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी बहन बेटी आगे बढ़ रही है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए. और अगर आपको फिर भी नहीं करना, तो फिर एक बार दंगल देख लीजिए, आप डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे. मैं 4.5 दूंगा सर. थैंक यू सर. आमिर सुपर मूवी इज़ ग्रेट. 2016 स्पोर्ट्स दंगल सब हो गया, बहुत हो गई पहले. क्लाइमैक्स जैसे मैंने कहा, अभी क्लाइमैक्स इज द बेस्ट पार्ट, एंड के 20 मिनट में पूरी मूवी जस्टिफाइड हो जाती है, और मुझे पर्सनली बहुत मजा आया. गूज बम्स आ गए. दे आर सुपर्ब, दे आर फैंटास्टिक. मुझे ऐसा लगता है कि आमिर को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ. आई थिंक इट्स सुपर, इट्स ग्रेट. हाउ इज द ट्रांसफॉर्मेशन आमिर हैज डन? सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को जो ट्रांसफॉर्म किया. आई थिंक जो पहले वाला जो बॉडी वाला पार्ट है, उनका फिजिक वाला पार्ट है, वो इतना है नहीं, बट फिर भी उन्होंने उस रोल के लिए इतना प्रिपेयर किया, वही दिखा देता है क्योंकि इतने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, सब जानते हैं, और वो आई थिंक उन्होंने वो क्लियर कर दी कि हाँ यार मुझसे बड़ा स्टार कोई आया नहीं है आज तक, वरना कोई आएगा. पेरेंट्स को जो लड़कियों के लिए जो दिमाग में थॉट है, उनको क्या मैसेज मिलेगा पिक्चर देखने के बाद? मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि यार ये मतलब कैसा बाप है, क्या कर रहा है अपनी बेटी को, लेकिन आई थिंक वो एक पोटेंशियल जान लेता है अपने बच्चों की कि यार हाँ इनमें पोटेंशियल है, और उसको आगे जाके वो प्रूव करते हैं कि वो गीता फोगट ने 2010 में, उन्होंने 2014 में गोल्ड मेडल जीता. आई थिंक वो काफ़ी अच्छा है थॉट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल नहीं. सुल्तान वॉज अ फिक्शनल लव रोमांटिक लव स्टोरी, ये एक स्पोर्ट्स फैमिली ड्रामा और रियल ट्रू बेस्ड स्टोरी है, तो आई थिंक 5/5. The movie is really very nice. How's Aamir Khan? मतलब उनके दाव पेच कैसे रहे? आमिर खान के दाव पेच अकॉर्डिंग टू द एक्टिंग एंड इमोशंस, इट वॉज अ बाप. गीता एंड बबीता इन द चाइल्डहुड दे वर टेमेंडस, और बड़े होने के बाद आउटस्टैंडिंग. बिल्कुल भी नहीं. द ट्रीटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर्स कट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, और इस मूवी के लिए जो दंगल नाम दिया गया इट्स अ डिफरेंट थिंग. उसका ट्रीटमेंट अलग था, इसका ट्रीटमेंट अलग है. दंगल इज़ अ दंगल, वेरी बाप फिल्म. मतलब ये 2016 का ये अभी न्यू ईयर है, टुडे इज़ द न्यू ईयर, 23rd शुड टू बी न्यू ईयर, और आज पटाखे फूटने चाहिए, आज केक कटने चाहिए, आज के रात में काउंट डाउन होना चाहिए, और 12 बजे न्यू ईयर कर देना चाहिए. दिस इज इस फिल्म के बाद शाहरुख नहीं है, आमिर खान ने बोला था ठंडा मतलब कोका कोला. आज अपन बोलते हैं लड़की मतलब बराबर होला. अरे फाइव, अगर पाँच से शुरू है तो पाँच, दस से शुरू 10.